प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाभ और हानि के अध्ययन करते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि के लिए हमारे पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम उसका क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे हम उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। आइए हम जानें लाभ, यानी लाभ क्या होता है। तो लाभ के बारे में जानें। लाभ जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ होता है। लाभ को निकालने के लिए लाभ प्रतिशत फॉर्मूला है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा में 100/ क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि है। हानि क्या होती है? जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तो हानि होती है, और हानि प्रतिशत इसका जो सूत्र है वो है हानि गुणा में 100/ क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से हमने लाभ और हानि के बारे में जाना। अब इससे संबंधित जो गणनाएं हैं वो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो लाभ और हानि के लिए हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। आगे कल हम इसके आगे के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।